हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग चैनल। आज मैं आ चुका हूं नैनीताल में। यहां का वेदर बहुत प्यारा हो रहा है, आपको दिखाता हूं वेदर। पहले तो आप यहां का व्यू एंजॉय करो। ये मेरे होटल का व्यू है। तो नैनीताल का वेदर बहुत प्यारा हो रखा है, तो अभी हम एक्सप्लोर करेंगे नैनीताल को और भीमताल को। चलिए व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं, और अगर मेरा व्लॉग पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब मैं आपको करवाता हूँ रूम टूर ऑफ डे वन होटल। यहाँ तुम्हारा भाई रेडी हो रखा है बिल्कुल नैनीताल को एक्सप्लोर करने के लिए। तो ये सारा मेरा रूम टूर है, और जो व्यू है यहाँ से, वेदर दो दो मिनट बाद चेंज हो रहा है यहाँ पे। तो अभी चलते हैं नैनीताल और भीमताल को एक्सप्लोर करने के लिए। वहाँ की सारी फेमस लोकेशंस हम आपको वहाँ पे लेके चलेंगे। और ये भाई मेरे साथ आ रखा है यहाँ पे। हेलो भाई, का नाम दीपक है। और भाई क्या चल? बस बढ़िया। कैसा लग रहा था व्यू यहाँ का? बहुत सही यार, बहुत सही है। चलो नैनीताल का एक्सप्लोर करते हैं अब। पहाड़ी फल आड़ू पूलम खुमानी जो है, ये टोटल पहाड़ी फल है। पहाड़ की मंडी भी है यहाँ। और अभी हम फिलहाल कहाँ पे हैं? भवाली। भवाली, तो इसकी खासियत क्या है? भवाली की है, यहाँ से आप धाम का रास्ता यही है मेन। अच्छा। और बॉर्डरों जो भी बॉर्डर जाते हैं चाइना और नेपाल का जो बॉर्डर रोड है यही है। और ये सबसे सेंटर प्लेस है यहाँ। सेंटर प्लेस है जी जी जी। भवाली एक ऐसी जगह है जहाँ से आप पहाड़ में कहीं भी जा सकते हैं, जैसे बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, गंगोत्री है, यमुनोत्री है, चाइना बॉर्डर है, नेपाल बॉर्डर है, ये पूरा आपका ये कुमाऊं का लिंक जोड़ता है आपको। अच्छा। हाँ, कहीं भी जा सकते हैं आप यहाँ। तो टेम्पल का नाम क्या? नंदा देवी। नंदा देवी, हाँ। ये बहुत बड़ा मेला लगता है यहाँ अगस्त में। ये देवदार और ये बांस के पेड़ है, बहुत ठंडा वाले पेड़ होते हैं। बर्फ इसमें, ये देवदार के पेड़ में जम जाती है बर्फ। अच्छा अच्छा। हाँ, ठंडक 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 और साफ हवा, इसमें बिल्कुल शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है। वो बहुत ठंडा, मतलब अगर आपको ठंडी हवा लेनी है सबसे ज़्यादा ठंडी हवा। और ये अंग्रेजों के ज़माने का टीवी का सेंचुरियम है। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो मैडम थी, जो उनकी औरत थी, वो दो महीने यहीं रख गए और फिर वो बेचारी मर गई, फिर उसको लेने नहीं आए। मतलब अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, दो महीने यहीं रही हो। चीड़ दिख रहा है, पाइन ग्री भी कहते हैं इसको आपके। हाँ, चीड़, चीड़ कहते हैं इसको। इससे लीसा मिलता है। अच्छा। जो पेंट फैक्ट्रियों में जाता है, जैसे एशियन पेंट है, इन फैक्ट्रियों में जाता है। और ये पेड़ की खासियत यह है, ये पेड़ में सतयुग के टाइम में बहुत बड़े बड़े रसीले फल होते, आपको दिखेंगे अभी। अच्छा। सूखे सूखे टाइप के ना वो दिख रहे होंगे अभी छोटे छोटे, ये रसीले फल होते थे इसमें। तो जब सीता माता जंगल में खो गई थी, रावण जब ले गया था, तो यही पेड़ मिले बीच में। अच्छा। तो ये पेड़ से लक्ष्मण, उन्होंने कहा, सीता माता को देखा, इस पेड़ ने कहा कि नहीं, मैं अपनी आवाज में मग्न था। अच्छा। क्योंकि ये जंगल में आवाज बहुत होती है इसके पेड़ की, अगर आप जंगल के बीच में जाएंगे तो आवाज बहुत होती है। तो फिर उन्होंने श्राप दिया कि तू अपनी आवाज में मग्न रहना, और सिर्फ तू पेड़ को काटने के काम में आएगा। तो इसमें देखिए, देख रहे हैं आप, उसमें रसीले फल होते थे पहले से। ओके। हाँ, इसका नाम होता चीड़। चीड़ अभी, हाँ, ये सिर्फ काटने के काम में आता है, इसका और कोई काम नहीं था। इसमें दरवाजे, चौखट, लकड़ी, बेड हेड, जो भी यहाँ पहाड़ों में लकड़ियों का काम होता है, सब चीड़ का पेड़ के काटने के काम में लाया जाता है। ठीक। हाँ, गर्म लकड़ी होती है। अभी यार कोहरे से दिख रहा, वो दिखे सेंट जोसेफ स्कूल दिख रहा, जहाँ पे आपको फॉग लग रहा। अच्छा। और वहाँ पे उसी के बगल में है सैरूड स्कूल, जहाँ अमिताभ बच्चन ने पढ़ाया है 2 साल। अमिताभ बच्चन ने पढ़ाया। अच्छा, अमिताभ बच्चन, डैनी, नसरुद्दीन शाह, ये लोग सैरूट के पढ़े। और कोई मिल गया पिक्चर की जो शूटिंग हुई वो नैनीताल में सेंट जोसेफ में, जो ऋतिक रोशन का स्कूल था। अच्छा। वो है। और ये यहाँ का सेल्फी पॉइंट है, आप यहाँ से सेल्फी पॉइंट ले लीजिए। हाँ, यहाँ पे फॉग फॉग में फोटो खिंचा लीजिए। और तो ये नैनीताल का सेल्फी पॉइंट है। पेड़ों की जड़ों से, बांस के। अच्छा। ये बांस के पेड़ों की जड़ों से स्रोत का पानी आ रहा है। स्रोत का पानी। अच्छा। जब नैनीताल गुलाम था तो तब उनके जो नैनीताल के जो अंग्रेज थे वो यहाँ अभी हैं इसके। अच्छा। ठीक है। लंदन, इंग्लैंड, सब उनकी कब्रें हैं। पीटर डी सूजा। अच्छा। तो ये लाल वाला टेम्पल है सर? हाँ, वो
नैना माता, नैना माता देखिए। चलो भाई नीचे, चलो करें एडवेंचर, चलो चलो आजो। देख के अरे एक और है पत्थर। बाहर एग्जिट है इसके बाद, बस इसका कुछ नहीं है एग्जिट वाला। नैनीताल कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है भाई, बहुत टाइम से घूमना चाहते थे, मजा आ गया घूम के। अच्छा, जगह बहुत अच्छी है, जगह अच्छी लगी। तो ये सब आप डेंस फॉरेस्ट में आ रखे हैं, तो अभी हम जा रहे हैं बोटिंग करने। मैं आपको सारा प्राइस डिटेल्स सब कुछ बताता हूँ और एक्सपीरियंस बताता हूँ, एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ का। अभी पैरा व्यू है यहाँ पे भी, देख सकते हैं आप। तभी चलते बोटिंग करने, प्राइस और डिटेल्स सारी मैं आपको बताता हूँ। तो ये सर यहाँ की लोकल मार्केट है, मार्केट काफी बड़ी और काफी क्राउड है यहाँ पे। ये रात का व्यू माल रोड का, तो ये अंकल को हमने हायर करा है एज अ ड्राइवर एंड एज अ गाइड, जो बहुत अच्छा एक्सप्लेन करता है यहाँ पे कैसे आपको, मतलब यहाँ पे क्या क्या देखने के लायक है, क्या जैसे हम दिल्ली से आए हैं तो हमें इतना कोई यहाँ पे नॉलेज नहीं है, तो ये सर ने बहुत अच्छा गाइड किया। तो सर अभी आपने जो हमें कल बताया था कि एक सोनम के ढाबे पे जाना, वहाँ मोमोज खाना, आपके सोनम ने तो हमें दे दिया धोखा, सोनम ने के लिए आपकी बेवफा, क्योंकि वहाँ मोमोज हो गए थे खत्म। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। आपका नाम क्या? मेरा नाम सर हिमांशु रोतेला है, दुर्गा टूर एंड ट्रेवल्स भीमताल। अच्छा, उस आपका नंबर एक बता दीजिए। नंबर सर मेरा 8392898376, और एक नंबर है 8307501145। बाकी मैं आपको नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जी, तो आप उस पर चेक कर लेना।
काफी अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। तो आपको किसी भी कॉन्टेक्ट करना हो नैनीताल भीमताल हम यहाँ पे आने के लिए तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। और अभी हम जा रहे हैं भीमताल सर भीमताल सात ताल जो पहाड़ों की है जहाँ भीम की बीवी का है मंदिर हिडम्बा धाम और सात ताल हैं जो राम ताल हनुमान ताल सीता ताल गरुण ताल टोटल सेवन लेक हैं। अच्छा। महाभारत काल की कथाएं जुड़ी है वहाँ कयाकिंग रिवर क्रॉसिंग जैवलिन ये सारी चीजें होंगी। अच्छा, एडवेंचर अच्छा। के लिए बहुत बढ़िया जगह है सात ताल शांत पूरा फॉरेस्ट है वहाँ। ठीक है ये है सात ताल उसका होटल में भी काफी अच्छा कनेक्शन है तो किसी को होटल भी लेना हो यहाँ पे काफी कम रेट में दिला देंगे। होटल हो गया एडवेंचर हो गया पैराग्लाइडिंग हो गई पूरा। अच्छा 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 जी जी सर ठीक है तो अभी हम घूमने जाते हैं और आपको भी दिखाता हूँ क्या क्या है वहाँ पे। सात ताल महाभारत काल से प्रसिद्ध है क्योंकि जब पांडवों को वनवास हुआ था तब सात ताल और भीमेश्वर महादेव में उन्होंने पूजा करी थी यहीं आए थे। और यहाँ एक हिडम्बा जो भीम की बीवी थी राक्षसनी उसका मंदिर है यहाँ ऊपर टॉप में उसका नाम है हिडम्बा धाम और उनके जो पुत्र थे घटोत्कच यहीं से गए थे। तो ये बहुत मतलब पुण्य स्थल है मतलब सात ताल और सात तालों का समूह है इसमें राम ताल हनुमान ताल सीता ताल गरुण ताल हनुमान ताल टोटल पूरी सात ताल हैं। ये देखिए वो देखिए ऊपर आपको देख रहा हूँ हिडम्बा धाम देख रहा हूँ टॉप में। तो इस होटल का रूम टूर आपको दे रहा हूँ सभी सामान सारा दिख रहा है उसके आप फोकस में करना तो काफ़ी स्पेशियस है और यहाँ का जो व्यू है व्यू आपको मैं दिखाता हूँ इसके बाद पहले आप फोकस में करना है काफ़ी अच्छा स्पेस दिया हुआ है इन्होंने। इसको आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं क्या लिखा हुआ है झील में तैरना मना है। आप व्यू देख सकते हैं यहाँ का कितना प्यारा व्यू है सर। ये गरुण लेक है और ये बहुत खतरनाक लेक है इसमें अगर जो जाता है तो अच्छा। समझ लो अगर आपने इसमें तैराकी करी तो डूब जाते हैं इसमें। अच्छा। कई बलियां ले चुकी है इसलिए इसमें यहाँ पे कोई एक्टिविटी आपको करी हुई नहीं नजर आ रही होगी क्योंकि जो भी एक्टिविटी होती है उधर होती है एक्टिविटी कोई आपको लिखा भी मिलेगा यहाँ पे। हाँ गरुण लेक तो ये लेक का व्यू दादा कैसा व्यू लग रहा है बढ़िया एकदम बढ़िया है बहुत बढ़िया बहुत शांति है बहुत शांति वाला यार सीन है यहाँ पे किसी को यहाँ पे बैठ के चिल मारना और आराम से बैठो बहुत प्यारा व्यू है यहाँ का देख सकते हैं। ये देखो सेवन लेक है इसलिए इसका नाम सात ताल है। अच्छा राम ताल हनुमान ताल सीता ताल गरुण ताल आप देखा है टोटल सेवन लेक है आगे तक पूरा। हाँ अच्छा, और अच्छा। ये है हिडम्बा धाम के मंदिर का रास्ता इधर जाना है हाँ जहाँ भीम की बीवी का मंदिर है राक्षसी थी जो ये जिनका पुत्र था घटोत्कच उनका मंदिर है हिडम्बा धाम है ऊपर 3 किलो 4 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई ऊपर जंगल में। अच्छा जी 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 यहाँ पे सारी वाटर एक्टिविटी हो रही है वाटर एक्टिविटी के लिए और डेनिस फॉरेस्ट आप यहाँ देख सकते हैं। अच्छा, और जगह तो आप देख रहे हैं कि जंगल कट गए हैं होटल बन गए लेकिन यहाँ आपको सबसे खूबसूरत पूरा जंगल मिलेगा पूरा जंगल जी जी सबसे बेस्ट जंगल ये सर यहाँ की मार्केट है यहाँ पे सारी वाटर एक्टिविटीज होती हैं। ये नल और दमयंती जो नल और दमयंती का महल था पूरा महल इस तालाब के अंदर डूबा है। अच्छा हाँ Okay. इसका नाम क्या नल दमयंती हाँ ये सात ताल में है जगह और ये यहाँ का घाट भी है यहाँ पे
हिंदू लोगों को जलाया भी जाता है। अच्छा, ये यहाँ की गवर्नमेंट मार्केट है, यहाँ पे सारा यहाँ के लोकल ट्रेडिशनल जो क्लोथ्स होते हैं या फिर जो मूर्तियाँ वगैरह ये सब मिलती हैं। नौ कोनिया, ये नौ कुचिया ताल है। अच्छा। ये हर की पैड़ी है, इसका पानी जाता है हरिद्वार। इसका इसका हाँ इसका पानी हरिद्वार जाता है और ये नौ कोनों के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा। जो नौ कोने एक साथ देख देता वो अमर हो जाता है। अच्छा। अगर आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देख ली है तो लाइक करे बिना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय। You're my